हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजीत। होपफुली फ्रेंड्स यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, वी टुगेदर विल सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ओके, और आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे फाइंड आउट करनी है लोकेशन, कैसे आंसर्स फाइंड आउट करनी है, और ट्रू फॉल्स अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो, आपको आंसर नहीं मिल पाता है और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आपको आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा या फिर नॉट गिवन होगा, तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ओके, आपको जो इट विल हेल्प यू बिकम गुड एट सॉल्विंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इन आइल्स रीडिंग। ओके, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हो इन कॉमेंट सेक्शन, और इफ़ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड एंड यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फील फ्री टू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स इन्जॉय दिस वीडियो और लेट्स टूगेदर सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फर्स्ट वन इज aphantasia or aphantasia। okay, aphantasia or aphantasia is a condition। ये एक condition है which describes, जो describe करती है people for whom, जिस condition में लोगों को क्या लगता है, people for whom it is hard to visualize mental images, उनके लिए ये एक condition है जिसमें लोगों को हार्ड लगता है, इट इज़ हार्ड उनके लिए, फॉर होम इट्स हार्ड टू विजुअलाइज मेंटल इमेजेस। मेंटल इमेजेस को इट मीन्स के माइंड में इमेजेस क्रिएट करना, पिक्चर्स बनाना उनके लिए हार्ड होता है, इट मीन्स के मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है, ओके बना लेते हैं बट उनको हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है। ओके, सो वॉट नीड्स टू बी अंडरलाइंड हेयर, जो आपको अंडरलाइन करना वो एफनथीजिया। ओके, ये इसे आपने अंडरलाइन करना है, कंडीशन अंडरलाइन करना है, पीपल हार्ड, इट इज़ हार्ड, ओके हार्ड विजुलाइज मेंटल इमेजेस, तो वेयर दीज वर्ड्स विल बी, वेयर योर आंसर विल बी। ओके, वेयर दीज वर्ड्स विल बी, देयर योर आंसर विल बी। सो आपको नाउ लेट्स गो बैक टू द पैसेज और लेट्स फाइंड आउट आंसर, ये राइट है और रॉन्ग, ट्रू है और फॉल्स है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं और यहाँ पे भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, वहाँ पे दैट्स वेयर योर आंसर विल बी। ओके, सो यहाँ पे है एफनथीजिया। यस, दिस ईयर साइंटिस्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड अ कंडीशन एफनथीजिया, इस ईयर साइंटिस्ट्स ने डिस्क्राइब की है ये कंडीशन एफनथीजिया, इन विच जिसमें सम पीपल आर अनेबल, जिसमें कुछ लोग अनेबल, ये वो कंडीशन है जिसमें लोगों को, लोग क्या होते हैं, आर अनेबल, अनेबल इट मीन्स के नॉट एबल, इट मीन्स के बिल्कुल भी वो उनके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं होते हैं, अनेबल इट मीन्स के नॉट एबल, योग्य ही ना होना, एलिजिबल ही ना होना, ओके बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अनेबल होते हैं इट मीन्स के नॉट एबल। ओके, टू विजुलाइज इट मीन्स के बिल्कुल भी वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं मेंटल इमेजेस को, ओके विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, वो पिक्चर्स नहीं बना पाते हैं, ओके वो इमेजेस को क्रिएट नहीं कर पाते अपने माइंड में, तो उनके वो अनेबल होते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है कि वो उनके लिए ये कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों के लिए हार्ड लगता है, बट वहाँ पे है अनेबल होते हैं, बट वहाँ पे है अनेबल होते हैं, तो यहाँ पे लगता है कि हार्ड है उनके लिए विजुलाइज करना मेंटल इमेजेस को, बट यहाँ पे है कि वो अनेबल होते हैं, तो फ्रेंड्स क्या हुआ आंसर, आंसर हुआ फॉल्स। ओके, फॉल्स हुआ। नाउ होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ लीडिंग टू नेक्स्ट वन इज नियर कैन मोअर और मोयर, व्हाटएवर जो भी है, वॉज अनेबल, वो अनेबल था, इट मीन्स के नॉट एबल, वॉज नॉट एबल, ओके एबल नहीं था, इसके योग्य नहीं था, टू काउंट करने के शीप, ओके इन हिज हेड, उसके हेड में जो शीप को काउंट करने के योग्य नहीं था। ओके, सो ये आपने अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स, ओके अनेबल, नियर और अनेबल, काउंट और शीप। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स लोकेशन, यहाँ पे यस कुडंट स्लीप टोल्ड मी। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं, ही न्यू, उसने, उसको पता लगा, वो जानता था कि ही वॉज डिफरेंट, वो डिफरेंट था, इवन इन हिज इन चाइल्डहुड में, माई स्टेप फादर, उसका कहना है, माई स्टेप फादर व्हेन आई कुडंट स्लीप, मेरे स्टेप फादर ने
ओके व्हेन आई कुडंट स्लीप, मैं नहीं सो पाता था, टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, मेरे स्टेप फादर ने, टू काउंट शीप, ओके काउंट करने के लिए, शीप काउंट करने के लिए, एंड ही एक्सप्लेन्ड वॉट ही मीन्ट, और उसने ये भी, उसके फादर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि क्या इसका मीनिंग क्या है, ओके वॉट ही मीन्ट कि क्या कहना चाहता है, क्या मीनिंग है. आई ट्राई टू डू सो एंड आई कुडंट, आई ट्राई टू, मैंने ऐसा करने की कोशिश की एंड आई कुडंट, बट मैं नहीं कर सका. ओके ही सेज, उसने कहा, वो कहता है, आई कुडंट सी एनी शीप, वो मैंने कोई भी देख नहीं पाया, कोई भी शीप को देख नहीं पाया. ओके जंपिंग ओवर फेंसेस, ओके फेंसेस के जो वॉल्स जो खेत में आसपास जो लगाई जाती हैं, जिस जिससे खेत को प्रोटेक्शन मिलती है, ओके तो उसे बोलते हैं. तो वो कोई भी शीप को नहीं देख पाया, ओके जंपिंग जंप कर रही ओवर फेंसेस, ओके देयर वाज नथिंग टू काउंट, वहाँ पे कुछ भी नहीं था काउंट करने के लिए, ओके जहाँ पे वहाँ पे कुछ भी नहीं था काउंट करने के लिए. आई ट्राई टू डू सो, सो ये ऐसा मैंने करने की कोशिश की, बट आई कुडंट, मैं नहीं कर पाया, ओके बिकॉज मैं देख ही नहीं पाया कोई शीप, ओके जंपिंग ओवर फेंसेस, देयर वाज नथिंग टू काउंट. सो यहाँ पे है, नियर कैनमोयर वॉज अनेबल, वो अनेबल था, ओके टू काउंट शीप इन हिज हैंड. सो वॉट इज द आंसर? ट्रू, ओके बिकॉज वो अनेबल इसलिए था बिकॉज वो किसी शीप को देख ही नहीं पाया. आई कुडंट सी, उसने कहा कि वो देख ही नहीं पाया, देख ही नहीं सका एनी ऑफ द शीप जंपिंग ओवर द फेंसेस. सो वहाँ पे था, देर वॉज नथिंग टू काउंट, कुछ भी काउंट करने के लिए है ही नहीं था. अगर होता और उसमें उसे डिफ़िकल्टी आती तो फिर फॉल्स आना था, ओके बिकॉज वहाँ पे कुछ है ही नहीं था काउंट करने के लिए. सो ही वॉज अनेबल टू काउंट शीप, ओके सो अनेबल था, ओके सो आंसर विल बी ट्रू. नाउ नेक्स्ट वन इज पीपल विथ एफंथेसिया, लोग जिनके जिनकी ये कंडीशन होती है, ओके इस कंडीशन वाले लोग एफंथेसिया स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करते हैं टू रिमेंबर पर्सनल ट्रेट्स, स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए हार्ड होता है, मुश्किल मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है रिमेंबर करना पर्सनल ट्रेट्स, जो पर्सनल ट्रेट्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओके वो क्वालिटीज़ पर्सनल ट्रेट्स एंड क्लोथ्स, क्लोथ्स को रिमेंबर करना, ओके हार्ड होता है, मुश्किल होता है, ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों की जो क्लोथ्स और पर्सनल ट्रेट्स होते हैं उन्हें रिमेंबर करना, उन्हें वो उसमें स्ट्रगल करते हैं, वो उनको डिफ़िकल्ट लगता है, ओके सो यहाँ पे भी एफंथेसिया और स्ट्रगल आए, रिमेंबर आए, पर्सनल ट्रेट्स आए, क्लोथ्स आए और डिफरेंट पीपल आए, वहाँ भी आपका आंसर होगा. सो वेर इज इट्स लोकेशन, रिमेंबरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रगल्स हैं, ओके सो बट ही इज़ वेरी गुड रिमेंबरिंग, ही वॉज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था एट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को रिमेंबर करने में, ओके नियर एडमिट्स, वो एडमिट करता है सम आस्पेक्ट्स ऑफ हिज मेमरी, उसकी मेमरी के कुछ आस्पेक्ट्स आर टेरेबल, ओके बट ही इज़ बैड, ओके टेरेबल बट ही इज़ वेरी गुड, बहुत वो बहुत अच्छा है एट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को रिमेंबर करने में, एंड लाइक अदर्स और दूसरों की तरह विद एफंथेसिया ही स्ट्रगल्स टू रिकग्नाइज फेसेस, और वो स्ट्रगल करता है फेसेस को रिकग्नाइज करने में, येट येट फिर भी ही डज नॉट सी एफंथेसिया एज अ डिसबिलिटी. फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है बट सिंपली अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ, वो स्ट्रगल करता है कि ऐसे अदर लाइक अदर्स दूसरों की तरह, ओके विद जो हैं विद एफंथेसिया ही स्ट्रगल्स, वो स्ट्रगल करता है टू रिकग्नाइज फेसेस. यहाँ पे उन्होंने फेशियल फीचर के बारे में बताया बट उन्होंने पर्सनल जो पर्सनल ट्रेट्स हैं और क्लोथ्स हैं उसके बारे में नहीं बताया, ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा, ओके स्ट्रगल वाला आंसर, स्ट्रगल वर्ड तो है और रिमेंबरिंग भी है बट यहाँ पे कोई भी क्लोथ्स के रिलेटेड और उन्होंने पर्सनल ट्रेट्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया, तो आंसर होगा फ्रेंड्स नॉट गिवन.
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, नियर रिग्रेट्स. नियर रिग्रेट्स, वो पछताता है. ओके, रिग्रेट करना, पछताना. दैट ही कैंट, वो नहीं कर सकता. पोर्ट्रे, इट मीन्स के ड्रॉ करना, मेक करना, बनाना. ओके, ड्रॉ करना, क्रिएट करना एंड इमेज, इमेज क्रिएट करना. वो पछताता है कि वो नहीं कर पा रहा, नहीं कर कर सकता. पोर्ट्रे इट मीन्स के इमेज नहीं बना सकता, इमेज मेक ड्रॉ नहीं कर सकता ऑफ हिज फायोंसी, फायोंसी की जो इमेज है. ओके, वो ड्रॉ नहीं कर सकता इन हिज माइंड, उसके माइंड में. सो ही रिग्रेट्स, वो पछताता है इसके लिए. सो वहाँ पे भी आपको ये जैसे रिग्रेट्स है, रिमोर्स हो सकता है, पछताना, क्योंकि पछतावा और गिल्ट फीलिंग ऐसे कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. पोर्ट्रे करना, इमेज, फायोंसी, ओके, फायोंसी हो सकता है. तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे भी आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फायोंसी, ओके, यहाँ पे फायोंसी. सो व्हेन आई थिंक, दिस इज द हार्डेस्ट थिंग टू डिस्क्राइब, व्हाट हैपन्स इन माई हार्ट, क्या होता है ये एक हार्डेस्ट थिंग है टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए. व्हाट हैपन्स इन माई हेड, क्या होता है मेरे हेड में. व्हेन आई थिंक अबाउट थिंग्स, जब मैं थिंग्स के बारे में सोचता हूँ. ही सेज, वो कहता है, व्हेन आई थिंक अबाउट माई फियांसी, जब मैं अपनी फियांसी के बारे में सोचता हूँ. देयर इज नो इमेज, कोई भी इमेज नहीं है. बट आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट हर, बट मैं डेफिनेटली उसके बारे में सोच रहा हूँ. आई नो, मैं जानता हूँ. टूडे शी हैज़ हर हेयर अप एट द बैक, और उसके हेयर हैं अप एट द बैक. शी ब्रूनेट, शी इज़ विद ब्राउन हेयर, वो ब्राउन, उसके ब्राउन हेयर हैं. ओके, अप हैं, ओके, एट द बैक. बट आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एन इमेज, बट मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा इमेज. आई एम लुकिंग एट, जो मैं देख रहा हूँ. आई एम रिमेम्बरिंग फीचर्स अबाउट हर, उसके मैं फीचर्स के बारे में रिमेम्बर कर रहा हूँ. दैट्स द स्ट्रेंजेस्ट, ये एक अजीब, स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंज थिंग है. एंड मे बी, मे बी, ये मे बी दैट इज़ अ सोर्स ऑफ सम रिग्रेट, और ये एक सोर्स है ऑफ सम रिग्रेट. इट मीन्स के उसको पछतावा होता है, ही रिग्रेट्स. ओके, सो डेफिनेटली इसका आंसर होगा, रिग्रेट करता है. ओके, वो पछताता है. सो डेफिनेटली इसका आंसर होगा नियर रिग्रेट्स. सो वो डेफिनेटली वो पछताता है, दैट बिकॉज वो ही कैंट पोर्ट्रे एन इमेज ऑफ हिज फायोंसी इन हिज माइंड. सो आंसर विल बी ट्रू. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज इनअबिलिटी. इनअबिलिटी, अबिलिटी इट मीन्स के योग्यता. ओके, और इनअबिलिटी इट मीन्स के लैकिंग ऑफ अबिलिटी. ओके, अबिलिटी ना होना, लैक ऑफ अबिलिटी, अबिलिटी की कमी होना. ओके, एबल ना होना. ओके, बींग अनएबल. ओके, एबल ना होना, नॉट एबल. ओके, वन यू आर नॉट एबल. इन अबिलिटी, लैकिंग ऑफ अबिलिटी, लैक ऑफ अबिलिटी. ओके, अबिलिटी की कमी होना. टू पिक्चर, पिक्चर थिंग्स, थिंग्स को पिक्चर करना, इट मीन्स के चित्र बनाना. ओके, कि अबिलिटी ना होना इन समवंस हेड, हेड में. ओके, किसी के हेड में इज ऑफन, ये अक्सर अ कॉज, ये अक्सर एक कॉज है किसी के हेड में. इट मीन्स के पिक्चर ना बनाना, बना पाना, इसकी इनअबिलिटी होना, लैक ऑफ अबिलिटी होना ये. ओके, इज ऑफन, ये अक्सर अ कॉज, कॉज है ऑफ डिस्ट्रेस फॉर समवन, फॉर अ पर्सन, पर्सन के लिए डिस्ट्रेस है. इट मीन्स के सैडनेस, और वो डिस्ट्रेस इट मीन्स के सोरोफुल फीलिंग है, सैडनेस वाली. ओके, तो डिस्ट्रेस है, ये कॉज है ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का ऑफ अ पर्सन, फॉर अ पर्सन, पर्सन के लिए. ओके, सैडनेस का इट मीन्स के कॉज है. ओके, सो इनएबिलिटी. ओके, इनएबिलिटी जैसे लैक ऑफ एबिलिटी भी हो सकता है, अनएबल भी हो सकता है, नॉट बीइंग एबल भी हो सकता है पिक्चर. ओके, तो ये वाला वर्ड आपने माइंड में रखना है. और अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, ओके, सैडनेस, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है फॉर अ पर्सन. सो यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी ये वर्ड्स हमें मिलेंगे, वहाँ पे हमारा आंसर होगा. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है बींग अनेबल, यहाँ पे
यहाँ पे इनएबिलिटी, ओके इनएबिलिटी, बट वाइल ओके द रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज मेट्स इज़ वेरी सिंपेथेटिक, यू आर वियर्ड, बट वाइल वाइल नियल इज़ वेरी रिलैक्स्ड अबाउट हिज इनएबिलिटी टू पिक्चर थिंग्स। बट जो नियल था वो बहुत रिलैक्स्ड था, उसे मीन्स इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी, वो रिलैक्स्ड था इसको लेकर, ओके अबाउट हिज इनएबिलिटी टू पिक्चर थिंग्स, थिंग्स को पिक्चर करने की जो इनएबिलिटी थी उसमें लैक ऑफ एबिलिटी थी उसको लेकर वो रिलैक्स्ड था, ओके। इट इज़ ऑफन अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, ये अक्सर एक कॉज है ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, ओके। वन वन पर्सन हु टुक पार्ट इन अ स्टडी, यहाँ भी ये ठीक है, यहाँ तक इनएबिलिटी टू पिक्चर थिंग्स, इट इज़ ऑफन अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए ये कॉज है, उसके लिए नहीं था बट इट्स ऑफन, ये अक्सर एक कॉज है दूसरों के लिए, ओके डिस्ट्रेस का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा इनएबिलिटी टू पिक्चर थिंग्स इन समवन्स हैंड इज ऑफन, ये अक्सर है अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर अ पर्सन, पर्सन के लिए, ओके। सो आंसर विल बी ट्रू। Now next one is all people, सभी लोग with aphantasia, जिसको भी जिनको भी ये है, ओके ये कंडीशन में, ये कंडीशन वाले सभी लोग, all people जो है with aphantasia start to feel, feel करना start करते हैं, isolated, isolated feel, अकेले feel, feeling of isolation, ओके वो feel करते हैं isolated और अलोन, अलोन फील करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स, उनकी लाइव्स लाइव्स में, ओके जिंदगी में कुछ टाइम पे, ओके एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स कुछ टाइम ओके के लिए वो आइसोलेटेड फील करते हैं, सभी लोग जो हैं विद एफेंटेजिया इस कंडीशन में है, ओके इस कंडीशन वाले स्टार्ट टू फील, फील करना शुरू करते हैं आइसोलेटेड और अलोन, ओके एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स कुछ टाइम, ओके एट सम पॉइंट कुछ टाइम पे। तो यहाँ पे इसके आगे यस यहाँ पे आइसोलेटेड वन पर्सन, एक पर्सन हु टुक पार्ट इन अ स्टडी, जो स्टडी में इनटू एफेंटेजिया, जो एफेंटेजिया की स्टडी, ओके अ स्टडी में पार्टिसिपेट करता है, हु टुक पार्ट इन अ स्टडी इंटू एफेंटेजिया, ओके स्टडी में, इसकी स्टडी में जो पार्टिसिपेट करता है, सेड जिसने भी पार्टिसिपेट किया, ओके इसकी स्टडी में, इन अ स्टडी इंटू एफेंटेजिया, सेड उसने कहा, ही हैड स्टार्टेड, उसने ही हैड स्टार्टेड, उसने कहा है कि ही हैड स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया था टू फील आइसोलेटेड, उसने आइसोलेटेड जिसकी इसकी स्टडी में, ओके इसको स्टडी करने में जिसने भी ओके पार्टिसिपेट किया, ओके उसने कहा है कि ही हैड स्टार्टेड टू फील, उसने स्टार्ट किया फील करना आइसोलेटेड एंड अलोन, आफ्टर उसने भी फील किया है आइसोलेटेड और अलोन फील किया है, आफ्टर डिस्कवरिंग ये पता लगने के बाद कि अदर पीपल कुड सी इमेजेस इन देयर हेड्स, कि दूसरे लोग अदर पीपल जो हैं कुड सी वो देख पाते हैं इमेजेस को देख पाते हैं, ओके इन देयर हेड्स, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वो एक पर्सन जिसने भी इसकी स्टडी में पार्टिसिपेट किया, ओके हु टुक पार्ट इन, जो पार्टिसिपेट किया इन अ स्टडी इनटू एफेंटेजिया सेड, उसने कहा है, जिसने पार्टिसिपेट किया उसने कहा है कि वो फील आइसोलेटेड फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, ओके किया है उन्होंने, फील किया आफ्टर डिस्कवरिंग ये पता लगने के बाद कि अदर पीपल कुड सी इमेजेस इन टू देयर इन देयर हेड्स, की दूसरे लोग कर पाती हैं इमेजेस को देख पाती हैं इन देयर हेड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन में ये है कि ऑल पीपल विद एफेंटेजिया, ओके उन्होंने बताया कि सभी लोग फील करती हैं, बट वहाँ पे बताया कि एक पर्सन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जो उसने कहा है, बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑल पीपल। सो फ्रेंड्स आंसर होगा नॉट गिवन, ओके ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स वो आइसोलेटेड फील करते हैं अलोन फील करते हैं। नाउ लीडिंग टू नेक्स्ट वन, लॉरेन बियर्ड्स, ओके लॉरेन बियर्ड्स जो उसका करियर था, ओके लॉरेन बियर्ड्स करियर, उसका करियर डिपेंड करता था ऑन हर इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता था, क्या ये ट्रू है और फॉल्स है, लेट्स फाइंड आउट।
और वी गॉट प्रीवियस आंसर फ्रॉम हेयर सो देयर विल बी आर नेक्स्ट आंसर आइसोलेटेड बीइंग अनेबल इट विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज वेयर इज लॉरेन यहाँ पे लॉरेन है ओके लॉरेन बियर्ड हुज वर्क ऑन द फेयरी टेल हेयर ड्रेसर सीरीज विल बी फेमिलियर टू मैनी 6 year olds हर करियर यहाँ पे है ओके हर करियर रिलाइज फ्रेंड्स दिस इज अ रिलाय दिस इज अ ब्यूटिफुल वंडरफुल वर्ड टू बी यूज इन आइल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो और स्पीकिंग में ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिपेंड ओके डिपेंड की जगह पे ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो रिलाइज डिपेंड्स रिलाय ओके डिपेंड रिलाय सो यहाँ पे उन्होंने सिनो दिया है हर करियर उसका करियर रिलाय करता था ऑन द विविड इट मीन्स के क्लियर ओके क्लियर उसका जो करियर था वो डिपेंड करता था विविड ओके विविड इमेजेस पे ओके दैट लीप इनटू हर माइंड्स जो लीप इनटू इट मीन्स के सडनली से उसके माइंड में आ जाती थी इमेजेस ओके इनटू हर माइंड्स आई उसकी उसके माइंड में आ जाती थी व्हेन शी रीड्स टेक्स्ट फ्रॉम हर ऑथर जब वो टेक्स्ट रीड करती थी फ्रॉम हर ऑथर सो उसका जो करियर रिलाई करता था फ्रेंड्स अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आपको जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि रिलाई और डिपेंड है यहाँ पे और यहाँ पे है रिलाई सो फॉल्स आएगा फॉल्स नहीं आएगा जिनको मीनिंग नहीं पता है इसलिए फ्रेंड्स सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए लर्न करने ओके दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल नॉट ओनली इन रीडिंग बट ऑल्सो नॉट ओनली इन स्पीकिंग और राइटिंग बट ऑल्सो इन रीडिंग ओके रीडिंग में भी जो होती है सिनोनिम्स वो कई बार समझ नहीं आती है पता नहीं लगता है कि ये होता है उसका सिनोनिम होता है तो कई बार हमें लगता है कि ये वर्ड और है और क्वेश्चन में ये वर्ड और है तो इसलिए ये फॉल्स होगा ओके सो सिनोनिम्स आपने ज़रूर लर्न करने हैं ओके जितने हो सकें आपको सिनोनिम्स आने चाहिए ओके सो ये राइटिंग के लिए भी ज़रूरी है इसेंशियल है स्पीकिंग के लिए भी इसेंशियल है और ये राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए रीडिंग में भी होते हैं ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे था कि उसका करियर लाई करता है ऑन द विविड इमेजेस दैट लीप इन टू हर माइंड आई जो उसकी माइंड में आते हैं लीप आउट सडनली से आ जाते हैं अगर होती हैं व्हेन शी जब वो टेक्स्ट रीड करती है फ्रॉम हर ऑथर ओके सो यस उसका रिलाई करता था करियर ऑन द विविड इमेजेस इट मीन्स के इमेजिनेशन पे सो आंसर विल बी विविड इमेजेस इमेजिनेशन ओके सो आंसर विल बी ट्रू नाउ नेक्स्ट वन लास्ट वन दैट इज द ऑथर मैट लॉरेन बियर्ड जो ऑथर था वो मिला लॉरेन बियर्ड को मिला व्हेन शी वॉज जब वो क्या कर रही थी व्हेन शी वॉज वर्किंग ऑन अ कॉमेडी जब वो वर्क कर रही थी ऑन अ कॉमेडी सीन पर वर्क कर रही थी इन हर नेक्स्ट बुक उसकी नेक्स्ट बुक में वो कॉमेडी सीन का सीन के ऊपर वर्क कर रही थी तब जो ऑथर था उसे मिला ओके सो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करना है ऑथर मीटिंग यहाँ पे मीटिंग भी हो सकता है मैट हो सकता है मीट हो सकता है कुछ भी हो सकता है लॉरेन बियर्ड ओके वर्किंग वर्क कॉमेडी सीन ओके इस पे हमने इन द नेक्स्ट बुक यहाँ इस पे इन वर्ड्स के ऊपर हमने फोकस करना है ओके सो यहाँ पे इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके आगे करियर के आगे सो कहाँ पे है ये वेयर इज इट्स लोकेशन यस इन द नेक्स्ट बुक ओके यहाँ यस यहाँ पे व्हेन आई मेट हर इन हर बॉक्स रूम जब मैं इट मीन्स के ऑथर बोल रहा है कि जब मैं उसे मिला ओके इन हर बॉक्स रूम स्टूडियो ओके इन मैनचेस्टर शी वॉज वर्किंग वो सो वर्क कर रही थी वो वर्क कर रही थी शी वॉज वर्किंग ऑन अ ड्रामेटिक सीन के ऊपर वर्क कर रही थी इन हर नेक्स्ट बुक और यहाँ पे है फ्रेंड्स शी वॉज वर्किंग व्हेन द ऑथर मेट लॉरेन वो व्हेन शी वॉज तब मिला जब वो वर्क कर रही थी काम कर रही थी शी वॉज वर्किंग ऑन अ कॉमेडी सीन इन हर नेक्स्ट बुक ओके तो यहाँ पे है ड्रामेटिक सीन समथिंग दैट सीरियस ओके और कॉमेडी होता है जैसे दैट समथिंग दैट एंटरटेन्स अस ओके समथिंग दैट एंटरटेन्स अस
और एंटरटेनमेंट जैसे ह्यूमर, ओके, और ड्रामेटिक सीन, इट मीन्स के समथिंग सीरियस, ओके, सीरियस जो, तो ड्रामेटिक सीन के ऊपर काम कर रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे है कि वो कॉमेडी सीन के ऊपर काम कर रही थी. सो डेफिनेटली आर आंसर विल बी फॉल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.